गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर व्लॉग। आज होना चाहिए डे 10 ऑफ डेली व्लॉगिंग। हमने 1/3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज 1/3 कंप्लीट हो जाएगा। सो आज का दिन बेसिकली कुछ ऐसा है कि आज बहुत हो गया मासी के घर रहना। आज हम फाइनली अपने घर सारे वापस जा रहे हैं। 10:30 बजे उठ गए थे। नॉर्मली हम 12, 12:30, 1 बजे उठते हैं, तो आज 10:30 बजे उठ गए थे। मैं रात को वो एडिट भी नहीं कर पाया था व्लॉग, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी। स्विमिंग विमिंग करके घूम फिर के हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि मेरे को नींद आ गई और मैं उसी टाइम सो गया। अब मेरा सबसे पहला काम आज यही होगा कि रास्ते में कैसे भी सबसे पहले व्लॉग को आप एडिट करना है, उसको अपलोड करना है और फिर बाकी सारा काम करना है। तो चलो, अगर जब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस व्लॉग को भी एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमको ये बताते रहा करो कि व्लॉग में आपको और क्या 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 अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है। तो सब बच्चे अभी उठे हैं, देखो इनको, आज तो रात सोते नहीं है। आज तो जल्दी उठ गए, 10:30 बजे सोते रहते हैं, ये सारी रात सोते रहते हैं। हेलो, हाय जी, हाय गुड के तैयार हो गए। आई एम फर्स्ट, क्योंकि मैं नहा धो के पार्टी के तैयार हो गई। ए बेबी गंजी गंजी उठ की जी, हम तो देखते हैं गंजी कहेगी 2-3 घंटे के बाद ये सारे कहां चलेगी। हेलो, कौन चली गई थी छोरी? फिर मम्मी भी गायब हो जाएगी 4 दिन के बाद। आज का हमारा ब्रेकफास्ट है आलू परांठे, दही और चावल। चावल बोल रहा हूँ, चाय। ये कौन सा कॉम्बिनेशन? क्या, अरे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। मैं भी पहले इससे खा कर चाय पी लेता हूँ, मेरे को तो अच्छी लगती है। चाय पीनी है, टेस्टी लगती है। भाई समय आ गया है सामान समूल लोड करके वापसी घर के और जाने का। अरे जा रहे थे सारे, जा रहे थे, शाम तक एक भी बंदा नहीं दिखाई देगा। मेरे कमरे में उतार दे, बाय। चलो बाय, साथ जा रहे हैं आप तुम्हारे, बाय। मेरा जल्दी से आ जाना चाहिए, मेरा कोक्का जल्दी से आ जाना चाहिए। बाय मैम, बाय बाय गुगली गुगली, बाय बाय बेबी बाय। नहीं जाना ना मम्मी के पास, नहीं रहना ना। आप साथ जाओगे ना, आप चाचू के साथ जाओगे। घर से छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा यार, लिटरली यार। वही तो, हम इसको लेके जा रहे हैं यार। इतनी प्यारी सी बच्ची है ये, प्यारो से बोलते हो। ओह, पापा ने गंदी किसी कर दी थी, पापा ने अच्छी किसी नहीं कर दी। पापा के पास रहना ही नहीं हमने, हम जा रहे हैं पापा को छोड़ के, चले ना। गाइस गुड़िया ने तो दिल जीत रखा है। हाँ चलो यार, चलो यार, जितना घूमना है ना घूम लो, सुकून तो ना वापस में घर आके ही मिलेगा और मज़ा तो ना घर आके ही आएगा। तो एट लास्ट वापसी आ गए हैं हम, होम स्वीट होम। थोड़े से रेस्ट वेस्ट करते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, मैं सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, नहाऊँगा फिर उसके बाद कुछ खाते हैं, फिर से भूख लग गई हमें। चलो मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो राइट नाउ बहुत सारा हमने 2-3 दिन गंद खाया, तो अभी मैं नींबू पानी पी रहा हूँ ताकि पेट में जो भी गर्मी हो रखी है और पेट को सारा साफ करने के लिए। नो शुगर, रिमेंबर नो शुगर, सिर्फ नींबू और पानी। पानी आप गर्म पी सकते हो जब वो गर्म सूट करता है, ठंडा पी सकते हो जब वो ठंडा सूट करता है। नहा धो के बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा फील कर रहा हूँ। कल चैम्पे भी करवाई थी और सारे बाल ऐसे चुम्पू चुम्पू से लग रहे थे, तो मेरे को वॉश भी करने थे, तो मैंने अभी हेड वॉश भी कर लिया है। अब बेसिकली मैं सोच रहा हूँ या तो सो जाऊँ
क्योंकि नींद भी आ रखी है, अलीशा सो चुकी है, नव्या भी सोई हुई है, मम्मी टीवी देख रहे थे। मेरे को अभी मैं सोच रहा हूँ या तो सो जाऊँ या फिर मैं बैठ के एडिटिंग कर लूँ। सोऊँगा तो एडिटिंग डिले हो जाएगी, व्लॉग भी डिले हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ एडिटिंग ही कर लेता हूँ। नींद को देखते हैं, थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देंगे, बाद में सो जाएंगे पोस्टिंग करने के बाद। अब आज तो व्लॉग ने अपलोड होने होने में, डाउनलोड होने होने में कम से कम एक घंटा लगा दिया है। एक घंटे के बाद ये डाउनलोड हुआ था और उसके बाद अब ये अपलोड हो रहा है। आज भी डिले होगा, सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देना। मैं आई एम सुपर टायर्ड यार, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मतलब मैंने पहले सोचा था कि बीच में सो जाऊँगा, बट मैं सो ही नहीं पाया, मैं एडिटिंग करने लग गया। उसके बाद व्लॉग को डाउनलोड करने में बहुत टाइम लग गया, अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, जितना नहीं लगना चाहिए था उससे ज़्यादा ही लग गया। और फिर उसके बाद अब मैं फ्री हूँ, 8:30 बज चुके हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, सोऊँ ना सोऊँ, जिम जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। इट्स बीन सो कन्फ्यूजिंग, लेट मी फिगर इट आउट, फिर मैं आपको बताता हूँ। रात के 1 बज चुके हैं, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो मैं जब मैंने बोला था कि मैं एडिटिंग वेडिटिंग करके मैं व्लॉग अपलोड करके, मैं तो सो ही गया था बिल्कुल ही। मैं सोचा था कि मैं जिम जाऊँगा, बट जैसे ही मैंने फ़ोन चलाया 5 मिनट के लिए साइड पर रखा और मैं सो गया। फिर मैं उठा था 9:30 के अराउंड और मेरा कोई मन नहीं था जिम जाने का, सो आई टेक अ ब्रेक। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज रेस्ट करते हैं और कल जाएंगे हम जिम अच्छे तरीके, कल से फिर से जिम स्टार्ट करेंगे। तो राइट नाउ मेरे पास एक काम है, मेरे को एक वीडियो एडिट करनी है, मतलब एडिट कर चुके हैं हम उसका, उसको वॉइस ओवर दोबारा देना है। देर आर सम मिस्टेक्स इन द वॉइस ओवर, कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रही हैं, तो उस करके हम उसका काम, उसका वॉइस ओवर है वो दोबारा से करेंगे। डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, मेरा लैपटॉप पता नहीं रीस्टार्ट बंद हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है बंद हो रहा है। मेरे को लैपटॉप की ज़रूरत है ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट ना यार, मैं ऐसे नहीं कर सकता काम, मेरे को इस पर स्क्रिप्ट देखनी है तभी मैं वॉइस ओवर कर पाऊँगा, और उसके बाद जो बाकी का पार्ट है वो भी सारा इसी पे करना है। माय गॉड, एट लास्ट ये हो गया, 15 मिनट लगे इसको ऑन होने में, लेकिन शुक्र है ये भाई साहब ऑन हो चुके हैं। हो जा यार, हो जा प्लीज़ प्लीज़ हो जा, थोड़ा सा काम कर लूँगा ताकि मैं कल थोड़ा टाइम से उठ सकूँ। गाइस ये स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स हम एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। एडिटिंग वेडिटिंग करके अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर फ्रेंड्स देख लूँ, बिकॉज फ्रेंड्स तो यार तुम्हें पता ही है, जब सर दर्द हो रहा ना फ्रेंड्स देख लेना तुम्हारा सर दर्द दूर हो जाएगा। तो मैं थोड़ी देर फ्रेंड्स देखूँगा, फ़ोन वोन चलाऊँगा, DMs के रिप्लाई करूँगा और फिर उसके बाद मैं कहीं जाके सोऊँगा। चलो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, होप्स आपको छोटा सा व्लॉग भी अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं आपको नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ।